दोस्तों, ओल्डेज गोल्ड में आपका स्वागत और मेरी नई खोज भाग 6। सुनिए आप, बहुत आनंद आएगा। अगले दिन नहा धो ऑफिस जाने लगा, काम पेंडिंग है पूरा करना होगा। मैं ऑफिस पहुंच गया, साहब थोड़ी देर बाद कार से आए। हम सब ने आदाब किया, मुस्कुराहट बिखेरते केबिन में दाखिल हो गए। घंटी बजी, चपड़ासी गोविंद हाजिर हुआ। साहब ने कहा नंबर 10 को हाजिर करो। गोविंद आया, बोला दांतों को बाहर निकालते ही साहब ने आपको बुलाया है। मैंने लड़खड़ाते कदमों से उनके केबिन में प्रवेश किया। साहब लैपटॉप पे बैठी पतली टांगों वाली से गुफ्तगू कर रहे थे। शायद कोई खिचड़ी गरम कर रहे थे। बोले बैठिए। मैं कुर्सी पे बैठ गया। साहब ने मेरी ओर मुंह कर लिया। बोले तुम सबसे पुराने हो, अनुभव भी अधिक होगा, इसीलिए तुम्ही को तलब किया। बोले मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी होशियार है, किसी सन्यासी के घर की शुद्धि कराई है। छोटे लाल जो तुम्हारा पड़ोसी है कह रहा था, वैसे तो मैं बॉस हूँ पर एक इंसान हूँ, कुछ हमारे यहाँ भी ठीक नहीं चलता, बस बीबी का ही हुक्म चलता है। तुम सन्यासी जी से बात करो, मेरे प्रॉब्लम को शेयर करो, दक्षिणा जो मांगे उसी में हाँ करो, आज ही अभी चले जाओ, कामकाज तो होते रहेंगे, कल संडे है उनको फिक्स करो। क्या क्या पकवान बनाने हैं मुझे शाम को फोन करो, समय भी बता देना, तुम भी उनके साथ आ जाना। मैं दोनों हाथ जोड़ बोला साहिब बहुत पहुँचे हुए हैं, मैं अभी जाता हूँ, थोड़ी देर में सब बताता हूँ। साहब खुश हो गए, मैंने भी दुनिया छानी है, तभी तुमको याद किया और मैं चल पड़ा। पुरानी स्कूटी के किक लगाई, गिर पड़ा, दो आदमी उठाने में लगे, मैं बोला उठ जाऊंगा। आगे सुने आप। मैं सीधे घर गया, आवाज लगाई मुन्ने की माँ, वो रसोई से बोली क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैं गैस बंद कराती हूँ और मैं सोफे पर बैठ गया। अरे तुमने तो कमाल कर दिया, मेरा प्रचार कर दिया, साहिब का काम हो गया तो मेरा पीडी ऊंचा हो गया, तनख्वाह बढ़ा देंगे, बस तुम जाओ झटपट जाओ, खाना मैं बना लूँगा, मुन्ने को संभाल लूँगा। सारी बात बताई, वह शर्माई, अभी गई अभी आई। सन्यासी जी मुझे बहुत मानते हैं, 5,100 दिलाऊंगी, दौड़े दौड़े आएंगे, साहब की बीवी को उनकी गुलाम बनाएंगे। फोन कर दो, 11 बजे 5 पकवान बने, किसी को कानो कान खबर न पड़े। ऑटो आ गया, वो बोली अभी गई आई। मैं रसोई में जुट गया, खलबली में दूध धुल गया। कोई बात नहीं, कल चकाचक माल खाऊंगा। आगे अब अंतिम है इसका, सुनिए आप। साहिब को फोन किया, पूरी बात समझाई, भाभी जी से बात करी तो वो शर्माई, तुम भी आना, साहिब मेरे हर हुक्म को माने, ये जतन कराना, पैसे की चिंता न करो, 5 की जगह 7 पकवान बनेंगे, बस मेरा काम हो जाना चाहिए।
साहिब मेरे काबू में रहने चाहिए। मैंने कहा, हुक्म आपका सर, आंखों पर फोन काट दिया। साहब को लगाया, बोला खुशी मनाओ, पटाखे चलाओ, भाभी जी आपकी हर बात मानेगी, पतली टांग वाली से एतराज नहीं करेगी। साहब बोले, तुम बड़े छुपे रुस्तम निकले, अब जी भर मजे करूँगा। दोस्तों, ये मैंने आपको भाग 6 सुना दिया है। आपको बेहतर लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।